नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 का सवाल है क्वेश्चन से इज अ ब्लॉक बी इज पुस्ट मोमेंट्रैली अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल सर्फेस विद एन इनिशियल वेलॉसिटी वी इफ म्यू इज़ कोविशन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द सर्फेस ब्लॉक विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम हमें टाइम बताना है कितनी देर बाद वो रुक जाएगा हमारे चार ऑप्शन है जी म्यू बाय वी या जी बाय वी या फिर वी बाय जी या फिर वी बाय म्यू जी अगेन no, इसको डायमेंशनली अगर आप देखेंगे तो चार में से दो ऑप्शन डायमेंशनली गलत हैं हालांकि सो डायमेंशनली अगर आप देखेंगे तो ए और बी ऑप्शन डायमेंशनली गलत है तो उसका सही आंसर हो ही नहीं सकते आंसर सी आर डी में से कोई एक सही है हालांकि बट right? uh, हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे हम इसे जानना चाहेंगे इसकी वैल्यू क्या है हालांकि सो right? so, सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपका ब्लॉक है ऐसे रखा हुआ है दोनों के बीच में फ्रिक्शन आपका म्यू है और आपने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी वी दी और ये थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा अपना हमें बताना है कितनी टाइम बाद ये जाके रुकेगा हमें टाइम की वैल्यू जानना चाहते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो ये है जो आपका एक्सलेशन होएगा उसको आप म्यू जी लिखते हैं एक्सलेशन की वैल्यू फोर्स डिवाइड बाय मास आएगी फोर्स होएगा म्यू एम जी डिवाइड बाय मास करके ये आपका एक्सलेशन या आपका रिटार्डेशन हो गया एक्चुअली माइनस साइन के साथ इसको हम ये लिख सकते हैं नहीं अब यहाँ पे अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी उससे अपनी टाइम की वैल्यू आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी जीरो है इनिशियल uh, वेलोसिटी हमने v दी है जो ये आपने v नॉट का है इसको v नॉट लिख लेते हैं माइनस म्यू जी इंटू टी तो अगर इसको इधर लेके आओगे t की वैल्यू इससे डायरेक्ट v नॉट डिवाइड बाई म्यू जी आ गई सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं के ऑप्शन नंबर डी वी बाय म्यूजी वुड बी द राइट आंसर